छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम कराया गया है। आपको बता दें कि सरकार की इस महत्वपूर्ण प्रसाद योजना के अंतर्गत 43.33 करोड़ रुपए की लागत से डोंगरगढ़ में पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं श्रीयंत्र की डिजाइन पर तैयार होने वाली अधोसंरचना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। परियोजना के अंतर्गत माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी व प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल अपरिहार्य कारणों के चलते नहीं आ पाने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान भाजपा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम नहीं लिए जाने को लेकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई, जिसे धार्मिक सद्भाव आस्था विकास से जोड़कर देखने की अपील पर दोनों पक्ष के लोग शांत हुए। बता दें कि सरकार की इस महत्वपूर्ण प्रसाद योजना के अंतर्गत 43.33 करोड़ की लागत से डोंगरगढ़ में पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं श्रीयंत्र की डिजाइन पर तैयार होने वाली अधोसंरचना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। परियोजना के अंतर्गत माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी व प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं 9.5 एकड़ भूमि पर पिलग्राम फैसिलिटेशन सेंटर का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जो इस प्रोजेक्ट का विशेष आकर्षण होगा। भवन का आकार ऊपर से देखने पर श्रीयंत्र जैसा लगेगा। इस परियोजना की स्वीकृति से डोंगरगढ़ देश के पर्यटन नक्शे पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जुड़ गया है। पर्यटन के बढ़ावा के लिए अलग अलग स्कीम राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद नाम से एक योजना लॉन्च की गई है, उसके तहत हमारे यहाँ माता बम्लेश्वरी परिसर के विकास के लिए डोंगरगढ़ 43 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें जैन तीर्थ है, प्रज्ञा है, बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस तैयार हुआ है। और निश्चित तौर पे इसके बनने के बाद हमारा ये डोंगरगढ़ का जो स्थल है वो विश्व के नक्शे पर आ जाएगा, क्योंकि अखिल ऑल इंडिया बेस पे जब कोई चीज़ होता है तो बाहर से दूसरे देशों से भी अगर पर्यटक आते हैं या घूमने वाले आते हैं तो उनको जानकारी सुधार हो जाती है। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि बनेगी। और आने वाले समय में जैसा कि हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल सेक्टर में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, अभी वाटर सेक्टर में भी मैंने बड़े बड़े जो बांध है उसमें क्रूज चलाने से लेके बोट चलाने से लेके बहुत से एडवेंचर टूरिज़्म को भी हम आगे करते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है अभी पिछले साल ही हम लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निर्देश पर पर्यटन नीति नहीं थी अब तक यहाँ कोई, तो पर्यटन नीति भी हम लोगों ने बना ली है। पर्यटन नीति होता है तो उससे लगे उद्योग करने के लिए लोग सब आते हैं लगाने के लिए, कई चीज़ पीपी मॉडल में बनता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद निश्चित तौर पर पर्यटकों को, यात्रियों को यहाँ काफ़ी सुविधा मिलेगी। पर्यटन में नक्शे में डोंगरगढ़ विश्व में अपना स्थान रखेगा, वहीं पीटा एक लगा हुआ है धर्म नगरी में, सर ये अपने आप में एक विरोधाभास है। इसके विषय में मैं कह नहीं पाऊँगा, भी उनकी जानकारी हो जाएगी। सर इसको कम से कम रिमूव करवाइए सर, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा लांछन है डोंगरगढ़ के ऊपर। सर लाखों रुपए की लागत से एडवेंचर जोन बनाया गया, लाखों रुपए की लागत से एडवेंचर जोन बनाया गया यहाँ पे, आज वो वीरान हो चुका है। लगभग 1 करोड़ की लागत से बनाया है सर, पूरा टूट फूट गया, किसी को नहीं मालूम एडवेंचर जोन कहाँ है, पूरा वीरान हो चुका है, पूरी बंदर बांट की गई है उसमें। सर प्रसाद योजना का निर्माण होना है, पुरानी बातों को दिखवाऊंगा, लेकिन हम लोग अपने कार्यकाल में कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ना आए और सर बहुत अच्छा काम हो। सर उद्देश्य है लोगों की सुविधा, आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र, हमारे ऐतिहासिक या पुरातत्व महत्व या धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल होता है उसका विकास अच्छा हो, किसी भी प्रकार के नियम कानून कायदों के बंधन में ना बांधा जाए, यात्रियों की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट प्लान तैयार करके हम लोग कर रहे हैं। सर धर्म नगरी है सर, यहाँ पर शराब की गंगा बह रही, पूरा जनप्रतिनिधियों के सर पर चल रहे, पूरा 24 वार्ड है, 24 वार्ड में पूरा शराब भट्टी है घरों घर, कैसे करें बताइए।
यहाँ धर्म नागरिक भ्रष्ट कर डाले। निवेदन करूंगा कि देखें इस प्रकार की घटनाएं ना। प्रसाद योजना का भूमि पूजन हुआ उस पर सीएम साहब का एक मतलब वक्तव्य है, एक भाषण, उस बारे में बताएं। निश्चित रूप से ये प्रसाद योजना बहुत ही सराहनीय योजना है। माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया जन जन के नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी इनकी सराहना की है और निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा योजना है। इसको सबको, केंद्र को और राज्य को मिलकर इसको जल्दी से जल्दी इसको योजना को यहाँ पर चालू किया जाए ताकि माँ बम्लेश्वरी माता जो है पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी धार्मिक यहाँ की। प्रसाद नाम से एक योजना लॉन्च की गई है, उसके तहत हमारे यहाँ माता बम्लेश्वरी परिसर के विकास के लिए 43 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें जैन तीर्थ है, प्रज्ञा है, बहुत अच्छा एक काउंसलिंग राउंड तैयार हुआ है और निश्चित तौर पे इसके बनने के बाद हमारा ये डोंगरगढ़ का जो स्थल है वो विश्व के नक्शे पर आ जाएगा, क्योंकि अखिल ऑल इंडिया बेस पे जब कोई चीज़ होता है तो बाहर से दूसरे देशों से भी अगर पर्यटक आते हैं या घूमने वाले आते हैं तो उनको जानकारियाँ सुलभ हो जाती है। निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ की एक बड़ी उपलब्धि बनेगी और आने वाले समय में जैसा कि हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल सेक्टर में भी काफ़ी काम कर रहे हैं अभी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक